जी हाँ दोस्तों, आज के महामुकाबले में एक तरफ होंगे टीम इंडिया के कप्तान, दूसरी तरफ टीम इंडिया के उपकप्तान। उन लोगों की बहस पर आज रोक लग जाएगी जो कहते हैं कि रोहित शर्मा अच्छी कप्तानी करते हैं या विराट कोहली, क्योंकि आज का महामुकाबला इन दोनों के बीच में ही है। अगर जो जीतेगा साबित कर देगा अपने आप को कौन बेहतर है। लेकिन इससे पहले रोहित शर्मा 5 बार खिताब जीत चुके हैं आईपीएल के, उतना ही काफ़ी है दोस्तों ये बताना कि रोहित शर्मा कितने बेहतर हैं। लेकिन विराट कोहली के हाथ अभी तक सिर्फ निराशा लगी है। आज की अपनी इस खास वीडियो में बात करते हैं कि हेड टू हेड मुकाबले में अभी तक क्या आंकड़े कहते हैं कि अभी तक एमआई वर्सेस आरसीबी जितनी बार भिड़ी है उसमें से किसने ज़्यादा बार जीत हासिल की है। तो दोस्तों सबसे दिलचस्प आंकड़ा ये निकल कर आ रहा है कि हेड टू हेड आंकड़ों में मुंबई इंडियंस का पलड़ा काफ़ी ज़्यादा भारी है, क्योंकि अभी तक दोनों टीमों के बीच हुए मैचों में मुंबई ने 19 बार जीत हासिल की है, जबकि आरसीबी को महज 10 ही मैच में जीत मिली है। और सबसे दिलचस्प आंकड़ा ये है कि पिछले 6 मैचों में केवल एक ही बार आरसीबी ने मुंबई इंडियंस को हराया है। साथ ही साथ भारत से बाहर मुकाबले की बात करें तो 2009 में साउथ अफ्रीका में हुआ आईपीएल में दोनों टीमों ने एक एक मैच में जीत हासिल की थी। वहीं अगर बात करें पिछले सीज़न की दोस्तों, तो 2 मुकाबले हुए थे जहां आरसीबी और मुंबई ने एक एक बार मुकाबला जीता था और एक मुकाबला तो सुपर ओवर हुआ था। लेकिन अगर बात करें सबसे खतरनाक खिलाड़ी की दोस्तों, तो किरण पोलार्ड का बल्ला बहुत चलता है, क्योंकि आरसीबी के खिलाफ मुंबई के लिए सबसे ज़्यादा रन पोलार्ड ने ही बनाए हैं, 537। और अगर आरसीबी के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी की बात करें तो दोस्तों वो टीम इंडिया के कप्तान का नाम ही सामने आता है। अभी तक विराट कोहली ने मुंबई के खिलाफ 637 रन बनाए हैं। दोस्तों मुंबई ही नहीं बाकी सारे टीमों के खिलाफ भी विराट कोहली का ऐसा ही प्रदर्शन रहता है। तो वहीं आरसीबी के अगर स्पिन गेंदबाजी की बात करें तो दोस्तों युजवेंद्र चहल सबसे असरदार साबित हुए, क्योंकि उन्होंने 13 मैचों में 19 विकेट चटकाई है मुंबई की। और अगर बात करें जसप्रीत बुमराह की, जो सबसे अच्छे गेंदबाज हैं मुंबई के, तो उन्होंने 15 मैचों में भी 19 विकेट चटकाई है। यहाँ पर मैचेस का डिफरेंस है लेकिन विकेट बराबर है। तो ये है वो आंकड़े जो अभी तक हेड टू हेड हुए हैं मुंबई वर्सेस बेंगलोर के बीच। तो सबसे ज़्यादा पलड़ा भारी दिखा है मुंबई इंडियंस का, साफ पता चलता है दोस्तों, क्योंकि 5 बार खिताब जीत चुकी है टीम। लेकिन आज के मुकाबले में जीत की हुंकार के साथ मुंबई इंडियंस शुरुआत करना चाहेगी अपने सीज़न का, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बहुत कठिन चुनौती होने वाली है टीम मुंबई इंडियंस के सामने, क्योंकि रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम भी इस बार काफ़ी मजबूत दिख रही है हर साल की तरह। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।